एवियन 400 कैप्सूल क्या है और इसके फायदे एवं नुकसान क्या क्या है, साथ ही इसका यूज कैसे किया जाता है, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हां, intohindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूं। तो यदि आपने अभी तक इंटो हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों आप में से कई लोगों ने यह देखा होगा कि इस कैप्सूल का उपयोग ज्यादातर ब्यूटी पार्लर एवं अक्सर बॉडी बिल्डर लोग इसका उपयोग करते हैं, आखिर क्यों और इसका फायदा क्या होता है हमारे स्क्रीन पर और हमारे हेल्थ पर, आइए हम इसके बारे में आपको संक्षेप में बताते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे इस कैप्सूल की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एवियन 400 कैप्सूल क्या है। तो दोस्तों एवियन 400 कैप्सूल मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन बिकने वाली एक दवा या गोली है जो कैप्सूल के समान होती है। यह कैप्सूल विटामिन ई की कमी और विभिन्न जटिलताओं बीमारियों के कारण बिगड़ा हुआ संतुलन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह विटामिन ई कैप्सूल आपके शरीर में मौजूद होते ही एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से पोषण और रक्षा करने में मदद करता है। तो दोस्तों यह थी एवियन 400 कैप्सूल क्या है की जानकारी। अब मैं आपको इसके फायदे यानी कि इस कैप्सूल के लाभ के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों एवियन 400 कैप्सूल का सेवन करने से यह आपके हृदय रोग के जोखिम, कुछ कैंसर, दृष्टि समस्याओं और मस्तिष्क विकारों को भी कम कर सकता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को प्रदूषण, कठोर मौसम, धूम्रपान जैसे बाहरी कारकों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह चेहरे के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह हमारे चेहरे पर के झुर्रियों को बनने से रोकता है। इस कैप्सूल को सीधे त्वचा पर लगाने से त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे रूखी त्वचा वाले क्षेत्र उत्कृष्ट नमी हो जाता है। साथ ही त्वचा को हानिकारक सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। दोस्तों यह एक प्राकृतिक त्वचा को हल्का करने वाला उत्पाद है जो मेलेनिन उत्पादन को कम करता है और त्वचा की टोन, बनावट, संवेदनशीलता में सुधार करता है। यह हमारे त्वचा के असमान रंग को कम करता है, इसीलिए इस कैप्सूल का उपयोग ब्यूटी पार्लर जैसे दुकानों में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं इस कैप्सूल के फायदे के बारे में और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कैप्सूल का उपयोग कैसे किया जाता है। अपने त्वचा को फायदा पहुँचाने के लिए और अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने के साथ में इस कैप्सूल का सेवन करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे लोगों की त्वचा पर दाने उगने के साथ स्किन ड्राई और चेहरे के निखार कम पड़ने की शिकायत होती है और कई लोगों के कम उम्र में ही बाल पकना और झड़ना शुरू हो जाता है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि यह सभी विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। जी हाँ, यदि आप एवियन 400 कैप्सूल का उपयोग प्रतिदिन त्वचा पर लगाने वाली क्रीम के साथ मिलाकर रात को सोने से पहले लगा कर सोते हैं तो यह कैप्सूल त्वचा के लिए एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। और सुबह उठकर ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लीजिए, यह आपके त्वचा के रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही यह आपके चेहरे पर से दाने हटाने के साथ निखार लाने का भी कार्य करता है। और दोस्तों यदि आप इस कैप्सूल को कोकोनट तेल के साथ मिलाकर बालों की मसाज करते हैं तो रफ बाल स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके बाल DHT की वजह से झड़ रहे हैं तो उस हालात में यह विटामिन ई कैप्सूल अकेले आपके झड़ते बालों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको ओमेगा 3 जैसी और भी अलग अलग आयरन, विटामिन ABC जैसे प्रोटीन को एक साथ मिलाकर लेने पड़ेंगे, तभी आपके झड़ते बाल झड़ने से रुक सकता है। और वही हम इसके सेवन करने के फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों इस विटामिन ई कैप्सूल को खाने से आपके नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होता है, साथ में आपके स्किन हेल्दी रहते हैं एवं इसका उपयोग करने से बाल कम झड़ने के साथ साथ बाल के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का कार्य भी करता है। यह आपके हार्ट के प्रॉब्लम को भी रोकने का काम करता है। तो दोस्तों यह थी इस कैप्सूल की जानकारी, बाल और त्वचा को फायदे पहुंचाने वाली। अब मैं आपको बताती हूँ इस एवियन 400 कैप्सूल से होने वाली नुकसान के बारे में। तो दोस्तों यदि आप एवियन 400 को रेगुलर 4 से 5 महीने से ले रहे हैं या फिर आप एवियन 400 कैप्सूल का रोज दिन में 2 बार सेवन कर रहे हैं तो इसका आपको नुकसान एवं साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। इससे आपके आंखों में कम दिखाई देने लगेगा, साथ ही सर में चक्कर सा अनुभव होने लगेगा एवं पेट में दर्द और उल्टी भी होने की संभावना बनी रहती है। इन सभी के अलावा यदि आपको ब्लड पतला करने की दवा चल रही है तो इस समय इस दवा का इस्तेमाल अगर करते हैं तो यह दवा आपका ब्लीडिंग बढ़ाने का कार्य कर देता है। तो दोस्तों किसी भी दवा या कैप्सूल का उपयोग किसी भी चीज के लिए यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के अच्छे डॉक्टर से ब्लड जांच और शरीर जांच जरूर कराएं एवं डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई का ही सेवन करें, अन्यथा आपको काफी सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस जानकारी को और भी संक्षेप में जानना चाहते हैं तो आप intohindi की वेबसाइट पर जाकर इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ,
IntoHindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूं। तो यदि आपने अभी तक IntoHindi YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।